हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एमडी मामूर और आप देख रहे हैं क्रंक्या वाले यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि देख सकते हैं, हम आज आए हुए हैं, यह है आम का बगान और ये हमारे धोनिया पंचायत के अंदर है। और दोस्तों, यहां का सीन बहुत ज़बरदस्त है, इसलिए करके सोचे कि चलिए वीडियो बना लेते हैं हम लोगों के लिए। तो दोस्तों, ये देख सकते हैं, ये बगान है, यानी कि पूरा आम का पेड़ लगा हुआ है और यहाँ पर लीची का भी पेड़ है। तो जिन लोगों ने इस बगान को ख़रीदा है, यानी कि साल के हिसाब से जो है कि बगान लिया जाता है, हुंडा हुंडी, ठीक है, हुंडा हुंडी बोले तो कि दाम जो है कि बगान का लगाया जाता है एक बार में ही, चाहे जितने में पॉसिबल हो, बंदा इसको ख़रीद लिया जाता है एक साल के लिए। इसके अंदर में जितना भी फल लगेगा, जो लोग इसको ख़रीदे हैं वो लोग जो है कि यहाँ से फल ले जा कर के बेचते हैं। और बगल में ही आपको तालाब दिख रहा होगा, सीन बहुत ज़बरदस्त है यहाँ का। और उधर तो लीची का पेड़ नहीं है, तो इधर अभी आम जो है कि वो दोस्तों पका नहीं है। रात में जो है कि बारिश हुई थी बहुत तेज, जिसके वजह से जो है कि कुछ कच्चा आम जो है वो गिर गया था। तो अभी देख सकते हैं, ये है लीची का पेड़, काफ़ी बड़ा है और इसमें लीची भी लगा हुआ है। तो जो सब लीची पक गया है उसको जो है कि तोड़ा जा रहा है। दो तीन आदमी मिल करके जो है कि बगान को लिया है, तो बहुत सारे लोग यहाँ पे आए हुए हैं। कुछ अपने घर के लिए लीची ले जा रहे हैं, कुछ जो है कि बेचने के लिए। यहाँ पे देख सकते हैं, ये तजमूल है किराना वाला और ये है मालिक। ये हमारे बंगला हटिया में फल फ्रूट बेचते हैं और ये है खुशबू। ये लोग जो है कि क्या रेट है तजमूल जी, क्या रेट है इसका? हाँ, 110। यानी कि जो लोग बेचने के लिए ले रहा है उसके लिए क्या रेट है? 110 कर देना है, 150 तो, यानी कि 110 रुपया सैकड़ा। यानी कि दोस्तों, जैसा कि देख सकते हैं, ये तजमूल जी है, इनका कहना है कि 110 रुपया में जो है कि आपको 100 पीस मिलेगा जो बेचने वाले लोग ले रहे हैं। और नहीं, 90 रुपया मिलेगा खाने वाले को, खाने वाले को, बेचने वाले को 90 मिलेगा। खाने वाले को जो अपने घर के लिए लेंगे उसको 110 रुपये जो है कि दोस्तों मिलेगा, यानी कि सैकड़ा 110 रुपये में 100 पीस। और जो लोग बेचने के लिए ले रहे हैं उनको जो है कि 90 रुपये में दिया जा रहा है 100 पीस। तो दो तीन जो है कि यहाँ पे लीची का पेड़ है और 9 गो पेड़ है दोस्तों ये पूरा बगान में। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ यहाँ से, क्योंकि यहाँ का व्यू जो है कि दोस्तों वो बहुत ही ज़बरदस्त है। ये देख सकते हैं रोड, और ये धोनिया चौक है और इधर हमारा बंगला हाट है। तो ये लीची का पेड़ है, लीची जो है कि काफ़ी सारे हैं पेड़ में, लेकिन कुछ अभी कच्चा है। जो जो सब पका है उसको जो है कि तोड़ा जा रहा है। तो अभी देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी सारा लीची जो है कि टूटा हुआ है। तो एक मैं आपको उठा के दिखाता हूँ, तो ये देख सकते हैं, ये जो बंधा हुआ है, ये एक गुच्छा जो है कि इसमें 100 पीस है, तो इसमें जो है कि 50 पीस है दोस्तों, ठीक है, एक गुच्छा में 50 पीस है। मुझे मालूम नहीं था इसलिए करके मैं बोल दिया इसमें 100 पीस है, तो इसमें 50 पीस है, दो गुच्छा लेंगे तो 100 पीस होगा। तो आप जो है कि 50 पीस भी ले सकते हैं अपने घर के लिए, या फिर बेचने के लिए भी ले सकते हैं। यहाँ पे अभी चलेगा यह काफ़ी टाइम। देख सकते हैं यहाँ पे कुछ लीची है जो कि हरा है, अभी पका नहीं है पूरी तरह से, तो ये अभी चलेगा। कितना दिन तक रहेगा तजमूल जी ये? अभी लगभग दोस्तों ये 8 से 10 दिन तक जो है कि इसको तोड़ लिया जाएगा इसी तरह से। अभी कुछ लीची पके हुए हैं और कुछ जो है कच्चा है। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे आए हुए हैं, जो लोग हिस्सेदार हैं, जो लोग यहाँ पे इसको ख़रीदे हैं, बगान को लिए हैं। तो सीन बहुत ज़बरदस्त है यहाँ का, आप लोग देखिए। और आप लोगों से कमेंट करते हैं कि रिक्वेस्ट यही है कि इस आसपास के जो भी लोग हैं, चाहे बेचने के लिए लेना चाहते हैं या फिर जो है कि अपने घर के लिए लेना चाहते हैं, तो यहाँ से आकर के ले सकते हैं बगान से डायरेक्टली, ठीक है। तो ये यहाँ का सीन है, बगान तो काफ़ी लंबा है, इसमें ज़्यादा आम का पेड़ है और 9 गो पेड़ है जो कि लीची का है। एक ये भी लीची का पेड़ है और ये भी लीची का पेड़ है। दोस्तों, वीडियो 4 मिनट का हो चुका है, अब मैं वीडियो को यहीं से रोकता हूँ। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताइए आप लोगों को वीडियो कैसा लगता है। वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह का वीडियो बनाता रहूँ। ये देख सकते हैं इब्राहिम, तो बहुत सारे लोग जो है कि यहाँ पे हैं। तो दोस्तों, चलिए अब वीडियो को लास्ट करते हैं और आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले इसी तरह के वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त, धन्यवाद।